दुआ लुना मोर खजुल बराती गयो। अरे तबे आई नल बुखार नासन 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 बुखार आ गयो तेरी याद। ठीक है ब्यामा पानी पीलूं था धर्म बोल ने मणिया बसना क्या वो मेरा धर्म ही सोचते हो धर्म धर्म ही नहीं है मणिया बसना। और जिका गाड़ बनावे ना जीवाड़ में चिपकी जा स्वाद लागे स्वाद ने ननु बनाए फालती पानी डाले बनाए ठी लागे ये खुलाड़ पण तय रखी रियो यार छी लता ही पी नो नो धन्यवाद। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से और उठ चुकी हूँ। कल का सफ़र बहुत अच्छा था तो नींद भी जल्दी खुल गई थी आज मेरी। तो आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया खिलखिलाती धूप आ रखी है हमारे पहाड़ों में और शाम शाम को रोज़ बारिश आती है तो मौसम बहुत अच्छा होता है पहाड़ों का। तो चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बना रखी है यार। वो कॉफ़ी कैसे पीऊँगी गले से कैसे उतरेगी एक बार सबको दिखा दो वो रेसिपी ना कैसे उतरेगी वो नायाब वो ना चीज़ नहीं है नायाब सा एक नमूना पेश किया था जो आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या करें। एक बार दिखा दो हमारी ऑडियंस को दिखा दो हमारे गाइस को दिखा दो कि चाय कैसे बनती है कॉफ़ी कैसे बनती है। तो मॉर्निंग में चाय का आनंद लेते हुए चाय थी कॉफ़ी थी या पानी था आज कैमरा लगा है यार पहले एक तो पहले बता दिया करो मुझे आना है नहीं आना है बता दिया करो पहले ही ठीक है नहीं क्यों लेते हैं ली तो कितनी टेस्टी बनाई है फिर दिख ही रहा है ना वो टेस्टी नहीं है ये टेस्टी है टेस्टी पहले बोलना सीखो टेस्टी क्या टेस्टी। और जिका गाढ़ बनावे ना जीवाड़ में चिपकी जा स्वाद लागे स्वाद नहीं ननू बनाए फालती पानी डाले बनाए ठी लागे ओए तो फालती पानी बार तो दलता गाढ़ा पण जाए री ज्यादा ही गाढ़ा बनाओगे रोज पीने का मन करेगा। चलो अले दिनाल बे इधर दिनाल नहीं और उधर कहाँ लूँ मैं जी पड़ ला जो स्वाद लग गया खरीद के लाओगे कहाँ से लाओगे इका वो करन ठीक नहीं बोल जस सूफ पी तो यहाँ पे बैठ के पीना जरूरी था तुमने कॉफ़ी बैठ के अंदर पी सकते थे विटामिन डी ले लो चाना हूँ कहाँ मारी। अच्छा महान व्यक्ति से मैंने उठ के कॉफ़ी बनाने को बोला था आज और कॉफ़ी तो इसमें बराबर नहीं दिख रही है ऊपर से पानी डाल के रख दिया है यार पता नहीं इसका कलर क्या आ रहा है ऐसा। तो आपने कॉफ़ी पीनी होगी तो 5-स्टार होटल बुक मत करना दोस्तों मत करना। हमारे घर में एक महान व्यक्ति है उनके हाथ की कॉफ़ी पियोगी जिंदगी भर कॉफ़ी याद रखोगे आप। ये बात बतोई मैं चाह नाम सुनी छू मतलब चाह जस वाला तस बना रही धुल बुलान चिल बिलान ने कड़क लेकिन उसने मैं कॉफी इश्यू ही पे अच्छी थी तब मैं मेरे यहाँ पानी जी पड़ गया मतलब बर्बाद हो रहा था पी रही हूँ मैं पानी जी पड़ गया आज की कर जी मैं पीने पड़ गया कॉफी में पानी कोई नहीं डालता है एक बात कान खुल के सुन लो ठीक है नहीं उन तो मेरे गार उन जीवन में लग गया तब ये खुलाड़ पड़ तय रखी रही हो यार चीज लगता ही पी नो नो धन्यवाद एक गिलास पी दिया हमने अब नहीं पी पाई। माता जी क्या कर रही हो जाले से दूध अलग देख से दूध का जाल अलग हो रहा है पापा के लिए ध्यान से देखिए ऊपर छुपाया जा रहा है यही है सेहत का राज पापा की ये देखिए गाइज गाइज आप देख सकते हैं यही है वो सेहत का राज पापा के लिए मम्मी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है नहीं तो रिशा जाते हैं छोटी नमकीन की तरह। बहुत तेज़ धूप लग रही है दोस्तों मॉर्निंग के ही टाइम पे अभी 8 बज रखा है और हम लोग अब खेत जाने की तैयारी करेंगे। जानवर हमने बाहर बांध दिए हैं और बेहतरीन से खेत दिखाऊंगे आपको अपने और थोड़ा थोड़ा घास भी काट के लाएंगे। तो मैंने अपना गोबर यहाँ पे फेंक दिया है और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी अपने गाँव का व्यू बहुत प्यारा सा सिटोली का गाँव और गणकोट का गाँव। तो मेरे उसमें थोड़ा गोबर कम था तो मैं जल्दी पहुँच गई मम्मी का थोड़ा भारी हो रहा था तो वो लेट आएंगी तब तक मैं घास ढूंढती हूँ कहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा वैसे तो नहीं हो रही है आजकल घास फिर भी अगर थोड़ी सी अगर हो जाती है तो इतना भी बहुत है। गोबर को कैसे फेंका जाता है देखो दोस्तों क्या बाबू बढ़िया रोड बनू मिठाई बाप रे रोड बनू मैं तम तम की कमा गया माँ अरे माँ बुखार आ रही है माँ क्या करो दादा आयल उठाई आज उठाई माँ बुबू के गर्मा गर्म रोटी देखो तो हाँ
बुबू फुटा निकाल दिया मैं बना दी बुरवाट मैं बना दी हुई बड़े को क्या बाप आता गया ले सब आ के फुटो हाथ में की भी क्या हुआ हाथ में पहले वो क्या मर साल है बना दी पर आओ खाओ तेन बुखार तुमने बोला कि नहीं मैं देखी ना वही पे मैं घर काटन घर काटन जान ने देखी ना बड़ा दिन तो सो रहा ना क्या करो अब के हाल ना यो बुखार बाबर वहां गई मानी दवा लू नगी बुखार नाचन 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 बुखार आ गया स्टे है ना ये हमारा यहाँ पे पानी पीने वाला हाँ पानी पीने वाला स्टेशन तो हो गया स्टेशन है ये मेरा किसी का भी सबका आपका नहीं सबका है सबका स्टेशन कोई नीचे ऊपर जाने वाला बस नल खुला ठहरा यहाँ रात दिन तो खुला है पानी पी था धर्म बोल मेरा धर्म 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 आज तुम जवान छोन अगर बुखार आ रही बढ़िया पूर्व देखें पदार पदार बुबू रड़ता ना एक गद्दी बोलें ना खाइए ना बुखार है उसे ले पका दी तुम जाने ये बात बाहर को रोड ना खाइए ना खाए तीन मैं अगर तुम्हें बुखार आ जाए बता दिया रत्ता वो पका ला दूँ चली गई तो अबर गा देर था ने मैंने एक बोतल में बोल छान ला दूँ नहीं जा था हम भर न मरना आप की पीछा में हाँ दूधा बंद मनु रियल दा थाने लिए की पे क्या हलावे घी हुई गोरे गोल लाई रे कौन घी उजा घी तो बीमार है इमरे कत्ते ही थाले पले लेने बनू नहीं ना अरे सुको हना आप थाले मिलू खाजे नीचे तो ना आप थामे पटना है नहीं जिनाल थाली बड़ी खैर नीचे तो ना थामा हम निक्की बनू ना चाह चाह चुकी रे अरे हाँ जिनाल निक्की बोलो इन बिया बगली वाला हर पतल बगल अब हम खाना ये ना उनके छाव पर दुनिया संसार हम मांग लो ना नहीं छाल आदि लोग ने ने बोल पा मेरे की गलती है ने दो तय मैं खाटी है अब जे होना ने दो तय मैं खाटी छाने ले यो हां ठीक से अब जब बड़े हमले छाड़ी तो मैं रह गया गुर जाइए वो बड़े अब हम फैन नहीं की तो ना मतलब लूलो का ठहर रही हूं बच गयो हमारे लिए दवा लो क्या मामा ये जा दवा वाला यार अपन ख्याल रख क्या और अगर रोड पर कोई लो कह दिया मैं पका दूं पतला अरे मैं पतला ही पकू तो मैं आ गई हूँ घर और जानवरों को चारा डाल दिया है मैंने क्योंकि इनकी भी आशा रहती है यार चारा खाने की है ना खेत से या कहीं से आओ तो ये लोग चिल्लाते हैं कि क्या जो लाई है तो घास डाली है अब इनको दौ दे देती हूँ पानी दे देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इनको भी प्यास लग गई होगी तो इनको दौ भी दे दिया है मैंने बच्ची और बकरी को अलग बर्तन में क्योंकि वो छोटी हैं वो अलग बर्तन में खाती हैं और गाय थोड़ा बड़ी है तो उसको दौ के साथ ही पानी मिक्स करके देना पड़ता है तो उसको बड़े बर्तन में दे रखा है और यहाँ पे तब तक रुकना पड़ता है जब तक ये खा नहीं लेते हैं वरना ये ना सारा इधर उधर गिरा देते हैं और गाय को कभी कभी गुस्सा आता है तो वो पूरा ही गिरा देती है तो यहाँ पे रुकती हूँ जब तक ख़त्म नहीं करते हैं तो आज मम्मी और मैं दोनों गेहूँ धो के फैला रहे हैं छत पर क्योंकि ना बाहर के गेहूँ हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल और मिट्टी और बहुत कूड़ कबाड़ रहता है तो उसको धो के बिल्कुल ऊपर वाले छत में भी और नीचे वाले छत में भी फैला के डालेंगे ताकि बीमारियाँ ना हो तो शायद से बाहर के लोग भी यही करते होंगे धो धा के गेहूँ को खाते होंगे तो हम लोग भी पहाड़ में लाए हैं तो भावर के गेहूँ हैं तो इनको हम भी ऐसे ही धो के फैलाएंगे तो थोड़ा ऊपर वाले छत में फैला दिए हैं धूप अच्छी है आज और बहुत तगड़ी लग रही है और थोड़े नीचे वाले छत पर फैला देती हूँ तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और नहा धो के मैं छत पे आई हूँ गेहूँ उठाने के लिए और गेहूँ बढ़िया करके सूख गए हैं क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप थी बिल्कुल करारे से हो गए हैं तो इनको आज उठा देते हैं अगर कल भी ऐसी धूप रहेगी तो थोड़ा कल डालेंगे तो फिर अब ना बारिश का सीज़न आने वाला है कुछ टाइम बाद चौमास लग जाएगा तो हमारे यहाँ ना बारिश होती रहती है इसीलिए हम लोगों ने गेहूँ टाइम से धो के धूप में सुखा दिए हैं ताकि अब हमें सुखाना ना पड़े दोबारा। ये तो समेट दिए मैंने नीचे छत के गेहूँ, अब समेटते हैं ऊपर छत वाले, थोड़े ऊपर वो भी डाले थे ना हमने तो दोनों जगह बढ़िया सूख गए हैं। यहाँ पर मैंने पौधों की सिंचाई भी कर दी है, यहाँ पर हमने कुछ मिर्ची के और कुछ शिमला मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं। बैगन खाने ऐसा हमारा हुआ नहीं तो हम बैगन नहीं लगा रहे हैं इस बार, तो शिमला मिर्ची और मिर्ची के छोटे छोटे पौधे, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं तो उन पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, ऐसी सिंचाई कर दी है। अगर प्यारी सी क्यारियाँ बनी होती तो गोल करके डालती, अभी बहुत छोटे भी हैं और क्यारियाँ भी नहीं बनी है तो मैंने
ऐसे ही सिंचाई कर दी है इन पौधों की। यहाँ पर हमने कुछ बीन्स के भी पौधे लगा रखे हैं जो कि अब बहुत बड़े हो चुके हैं, उस पर हमने ठगर लगा रखे हैं ताकि ये थोड़ा बड़े हो जाएं तो नीचे लटके ना ऊपर ऊपर लकड़ियों में चले जाए। तो यहाँ पर को हमारी टमाटर की बीनी भी तैयार हो रही है, टमाटर के जो बीन्स थे वो भी थोड़ा बड़े हो चुके हैं। और स्ट्रॉबेरी इस बार बिल्कुल भी नहीं लगी हमारी, एक एक दो दो लगी, वो भी पता नहीं कीड़ा खा दे रहा है। तो पिछले बार से बहुत सारे होते थे पता है इन गमलों में स्ट्रॉबेरी, और इस बार बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। हमने अपने बर्तनों का यूज़ बहुत अच्छे से कर रखा है, जो हमारी टूटी फूटी बाल्टियाँ थी और डिक्सी थी जिसमें छेद हो गया था, तो उनमें हमने स्ट्रॉबेरी और फूल के पौधे लगा रखे हैं। परसों एक का कमेंट भी पढ़ रही थी मैं कि आप लोगों ने अपने घर के अंदर के बर्तन भी बाहर रख के उसमें फूल लगा रखे हैं या पौधे लगा रखे हैं, तो जो ख़राब या टूटे फूटे बाल्टियाँ और डिक्सी होती हैं उन्हीं में हम लगाते हैं, अंदर के कौन लाएगा भाई बाहर। तो यहाँ पर अब कुछ बीन्स को भी पानी दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ये भी सूख जाएंगे। फिर इतनी सारी लकड़ियाँ भी लगा रखी हैं, तो इस बार सारी सब्जियाँ पापा ने बोई थी, तो बीन्स पापा ने जल्दी बो दिए थे इसीलिए ये बड़े हो गए हैं। तो इनको पानी देते हैं फटाफट, उसके बाद मेरे को घास में भी पानी देना है। मम्मी कह रही है कि यहाँ थोड़ा सा खाद फेंक रखा है घास में, और अगर बारिश नहीं होगी तो ये बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ा पाइप छोड़ देना। तो मैं थोड़ा घास के ऊपर पाइप छोड़ के फिर और काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ शाम की। यहाँ पर कुछ कद्दू की बेल भी बहुत बड़ी हो गई हैं, जो कि अब इस वाले पेड़ में जाएगी, मेल के पेड़ के ऊपर ऊपर तक, और फिर छत तक भी आ सकती हैं। पिछली बार छत में भी कद्दू लगे थे, यहीं से आके ऊपर चढ़े थे मेल के पेड़ के सारे, और फिर वहीं से छत में आए थे। तो दोस्तों मैं भी बना रही हूँ रोटी आग में, और आजकल ना गर्मी की वजह से आग के पास बैठने का मन नहीं करता है, आजकल आग से दूर दूर जाने का मन करता है। तो हल्की हल्की गर्मी तो पहाड़ में भी हो ही रही है सुबह, और शाम थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन दिन के टाइम पे होती है। फिर आग के पास बैठो और आग के पास बैठ के रोटी बनाओ, तब तो गर्म होता ही है, आग ठंडियों में ही सही होता है, गर्मी में कहाँ सही होता है। तो लेकिन हम लोग सुबह शाम आग में ही खाना बनाते हैं ना, तो रोटी हमेशा आग में ही बनती है हमारी। तो मैं बनाती हूँ अब खाना, और इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।